हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने जो कल मैंने होमवर्क दिया था उसी को मैं आगे सॉल्व करूंगी, पर उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो तुरंत शेयर कर दीजिए अपने बाकी फ्रेंड्स को भी, और अगर आप लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक और चीज है कि आप सभी लोग जब पजल का आंसर देते हैं तो सभी लोग, जितने लोग देखते हैं एटलीस्ट सभी लोग ट्राई करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करो, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कहां मिस्टेक करे। एक बंदे ने मिस्टेक करी थी जस्ट नेक्स्ट डे और ऊपर प्रीवियस डे मिस्टेक करी उसने, तो उसकी वजह से उसका आंसर वेरिएशन आया है एक। तो देखो छोटी छोटी चीजें अगर आप कमेंट करो तो मुझे पता चलता है कि हाँ आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, तो मैं उसी तरीके से आपको नेक्स्ट पजल में आपको उसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कहाँ पे आप मिस्टेक करो, पॉइंट आउट करूंगी मैं आपको। तो आप सभी क्वेश्चन जो भी आप सॉल्व करते हैं उसका आंसर जरूर दिया करें। तो शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, जो मैंने कल आपको पजल दी थी उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक नए पजल की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने शेयर नहीं किया, शेयर सब्सक्राइब और लाइक बहुत जरूरी है, तुरंत कर दीजिएगा। एक और चीज है, अगर आप लोग टेलीग्राम लिंक पे जुड़े नहीं हमसे, तुरंत टेलीग्राम के लिंक पे जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो ये क्लास आपके SBI क्लर्क को टारगेट करते हुए चल रही है, 7 बजे चलती डेली क्लासेस ये आपको, और आपको इसमें डेली डेली आना है रेगुलर बेसिस पे बिना कोई क्लास को मिस किए। अब देखते हैं कल का अपना सवाल। कल का सवाल देखिए, ये मैंने आपको कल होमवर्क में दिया सवाल। सवाल की सबसे पहले चीज जो हमें देखनी होती है वो क्या है कि ये पजल है कौन सी। हमें पहली लाइन को हम पढ़ेंगे, पहली लाइन को पढ़ेंगे, 7 फ्लाइटें एयर फ्रांस एयर टर्किश पढ़ने का टाइम वेस्ट मत करो, को भारत जाने के लिए निर्धारित किया जाता है, सप्ताह के एक दिन केवल एक ही फ्लाइट भारत जाती है। तो यहाँ साफ हो गया कि यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो फ्लाइट है और एक हमारे पास डेज है, दो चीज हो गई। तो पहली चीज से क्लियर हो गया, ये फ्लाइट को और डेज को अरेंज करना है। तो मैंने कल आपको बोला था ये चीज, जब भी सप्ताह वाला टाइम आएगा, जब भी डेज की बात होगी, हमेशा हम डेज के अकॉर्डिंग ही टेबल को बनाएंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब भी आपका डेज आएगा, मंथ आएगा, अगर डेज आएगा डेज के अकॉर्डिंग, मंथ आएगा मंथ के अकॉर्डिंग, ईयर आएगा तो ईयर के अकॉर्डिंग, हमेशा इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। आगे धीरे धीरे हम देखेंगे क्वेश्चनों को, क्वेश्चन को आगे हम देखेंगे भी, ठीक है। दूसरा काम क्या था हमारा, बफर बनाना। आई थिंक अभी तक आप सभी लोग बफर बनाने में एक्सपर्ट हो चुके होंगे, एटलीस्ट आपसे बफर बनने लग गया होगा, इतना मैं उम्मीद करती हूँ। तीसरी पजल है आप लोगों से और आपने 3 पजलों को कम से कम 5-5 बार भी किया होगा, तो 15-12 पजल को कर चुके हैं। 15-12 में मैं इतना आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग से अब बफर बनना लग गया होगा। टाइम लगेगा जरूर, टाइम लगेगा सॉल्व करने में जरूर, पर अब बनना स्टार्ट हो चुका होगा। शुरुआत करते हैं पहली लाइन से, टर्किश एयरलाइंस ऑन वेनसडे। देखो अब आप लोग पूरा लिखोगे टर्किश एयरलाइंस, नहीं हम क्या लिखेंगे TA। टर्किश एयरलाइंस कब जाती है, वेडनेसडे को, है ना, हाँ ऑन वेडनेसडे, टर्किश एयरलाइंस ऑन वेनसडे। सिंगापुर एयरलाइन फ्लाइज ऑन द नेक्स्ट डे टू कोरियन एयरलाइंस, हिंदी में देख लेते हैं इसको एक बार, सिंगापुर एयरलाइंस कोरियन एयरलाइंस के अगले दिन उड़ान करती है, क्या करती है, सिंगापुर एयरलाइंस अगले दिन करती है किसके, कोरियन एयरलाइंस के, तो ऐसे लगा दो जस्ट नेक्स्ट डे, पहले कोरियन एयरलाइंस करेगी उड़ान, उसके अगले दिन सिंगापुर एयरलाइंस करेगी, ठीक है हमने लगा दिया। अगली लाइन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, कोरियन एयरलाइंस है जो है वो मंडे को और फ्राइडे को नहीं जाती, तो कोरियन एयरलाइंस क्या करती है, ना तो मंडे को जाती है, हर एक लाइन का मतलब है, और ना ही आपकी फ्राइडे को जाती है, ठीक है, ना ही फ्राइडे हो गई ना ही मंडे हो गई। अगली लाइन क्या लिखी हुई है इसमें, अगली लाइन लिखी हुई है, 2 एयरलाइंस फ्लाइज बिटवीन कोरियन मलेशिया, 2 फ्लाइट उड़ान भरती हैं किसके बीच में, कोरिया एयर के बीच में, मलेशिया एयर के बीच में, तो देखो कोरिया एयर के बीच में और मलेशिया एयर के बीच में 2 एयरलाइंस है। अब देखो या तो इस प्रकार से होगा या फिर ऊपर मलेशिया होगा और नीचे कोरिया होगा, हमें नहीं पता कौन पहले कौन बाद में, पर यह पता है इन दोनों के बीच में 2 का गैप आएगा, तो एक डिब्बा हमने ये बना लिया। अगली लाइन देखते हैं हम लोग, अगली लाइन है हमारी, मलेशिया एयरलाइन संडे को फ्लाई नहीं करती, मलेशिया एयरलाइन संडे को फ्लाई नहीं करती है, लो भाई लिख दिया ये भी हमने। फिर क्या लिखा हुआ है, कतार एयरलाइंस जो है
वो थाई से, थाई एयरलाइन एयरवेज है, उससे जस्ट एक दिन पहले करती है। तो पहले कतार वाली आ गई और उससे पहले, और थाई से पहले, थाई एयरलाइन से पहले, तो एक ही आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ, एक सेकेंड, क्या है थाई एयरलाइंस, कतार एयरलाइंस, थाई एयरवेज तुरंत पहले दिन उड़ान करती है, कतार पहले, थाई बाद में, ठीक है। आई बात समझ में? अभी ये बता जरा आप सभी लोग कि आपको समझ में बफर कैसे बना, कितना आसान बफर था। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये मान लीजिए, तीसरा स्टेप ये मान लीजिए, चौथा ये मान लीजिए, और पांचवा ये मान लीजिए। पांच स्टेप में पूरी पजल हो गई, अब आपको केवल बिठाना है। अब इससे पता फायदा क्या होता है, आपको पता होगा, इससे फायदा ये होता है कि हमें बार बार स्क्रीन पे, बार बार कॉपी में, बार बार स्क्रीन पे नहीं देखना पड़ता। हम एक बार ये बना लेंगे, उसके बाद हम सीधा इसको बिठा सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। अब मैं इसको हटा देती हूँ, क्वेश्चन को मैं हटा देती हूँ, ये लीजिए क्वेश्चन हट चुका है। अब देखो, मंडे से संडे लिख दो पहले, दो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। कृपया करके इसको पूरा मंडे ट्यूसडे ऐसे टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना प्लीज, ये सब केवल टाइम की बर्बादी है, ठीक है। इसको मत देखना, जितना शॉर्ट लिखो उतना शॉर्ट लिखो, बस शॉर्ट उतना होना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए। ऐसा भी मत लिख देना कि आपको खुद को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, बाकी ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार की ब्लैंक कॉपी आएगी आपकी और आपको ऐसे ड्रॉ करना है। अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जो टर्किश एयरलाइंस है वो वेनेसडे को उड़ान करेगी, तो लिख दिया मैंने वेनेसडे को टर्किश एयरलाइंस, ठीक है। अगला क्या है, ये दोनों साथ साथ करेंगे। अब देखो, या फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बहुत सारी जगह होगी तो इसको तो हम लेंगे नहीं, इसको नहीं लेंगे। लेकिन एक बात और है कि जो कोरियर एयरलाइंस है मंडे और फ्राइडे को नहीं करेगी, तो कैसे लिखेंगी? कोरियर एयरलाइंस ना तो मंडे को करेगी और ना ही आपकी फ्राइडे को करेगी। देखो आई बात समझ में? इस तरह जो चीज नहीं करती है उसको हम यहाँ मार्क कर देते हैं। मंडे को कोरियर एयरलाइंस नहीं जाएगी, मतलब यहाँ पे कोरियर नहीं आएगा, यहाँ भी कोरियर नहीं आएगा। अब देखो, अब बैठाओ इन दोनों को, देखो कोरियन और मलेशिया यहां आ सकता है, पर कोरिया यहां नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा। यहां कोरिया मलेशिया आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहां पे आ सकता है। यहां नहीं आएगा कि यहां पे भी कोरिया एयरलाइंस है, यहां भी आ सकता है। एक और देखते हैं, मलेशिया एयरलाइंस जो है वो आपका यहां भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे संडे को मलेशिया एयरलाइन की मनाई है, ठीक है। हमारे पास बचे दो ऑप्शन, मंडे और फ्राइडे। क्या बचे? या तो इधर तो आएगा नहीं, या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। तो एक बार कोरियन इधर लिखा, ऐसे इधर लिख दिया, एक बार कोरियन इधर लिखा और ऐसे इधर लिख दिया, ठीक है। यहाँ टर्किश है, ये बात समझ में आ गई। हमारे पास केवल दो पॉसिबिलिटी थी, या तो इसको यहाँ बैठाओ या फिर यहाँ बैठाओ, क्योंकि यहाँ बैठने था, क्योंकि यहाँ पे क्या कोरियन बैठेगा नहीं, तो कोरियन ऐसे कैसे बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा। तो एक इधर बैठा, एक इधर बैठा, ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा। अब देखो, जो कोरियन और मलेशिया के बीच में दो लोग हैं, देखो एक दो मलेशिया इधर आ सकता है, पर इधर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गैप नहीं आना, इधर इधर आएगा नहीं, ठीक है। एक दो मलेशिया इधर आ सकता है, मलेशिया आपका इधर आ सकता है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, यहाँ पे कोरियन इधर है, एक दो मलेशिया जा सकता है, पर इधर आएगा नहीं क्योंकि इधर जगह ही नहीं है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, कैंसिल हो गया ये आपका, ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब के ए और थाई बचा, क्या के ए और थाई दो जगह साथ में कहाँ खाली है? यहाँ तो खाली है नहीं, खाली कहाँ पे? यहाँ पे, तो के ए और थाई इधर आ गया, ठीक है। बचा क्या आपका? बचा क्या आपका? देखिए एयर फ्रांस का बचा, तो एयर फ्रांस आपका इधर आ गया, एयर फ्रांस। आई थिंक क्लियर हो गया सभी को। देखो हमें दोनों चीजों को ध्यान रखना है, कौन चीज कहाँ पे आएगी, कौन चीज कहाँ पे नहीं आएगी। मैंने अभी भी आपको यही बोला, कल भी मैंने आपको यही बोला था कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि कौन से चीज से स्टार्ट करेंगे तो पजल बन जाएगी। मैंने यहीं से क्यों स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे इसका दिन भी पता था और एयरलाइन भी पता थी। मुझे पता था वेनसडे पे एक ही वेनसडे है और उस वेनसडे पे केवल टर्किश बैठनी है, तो यहाँ मैंने बिठा दिया। जो आसान काम होता है सबसे पहले उसको कर दो, जिससे कि आपकी जो जो बफर है वो कम हो जाए। यहाँ से एक लाइन कट गई सीधी सीधी, फिर हमने इसको बिठा दिया कि ये यहाँ 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 नहीं बैठेंगे, तो ये लाइन सीधा कट गया, फिर इसको बिठा दिया। मतलब जितना जल्दी आप बफर को बिठाएंगे, जितना जल्दी बफर खाली होगा, जितना जल्दी ये बफर कटेगा सारा की सारा,
उतना जल्दी आपसे ये क्वेश्चन बनेगी, आपको पता है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा किस प्रकार से हम लोग डेज और मंथ और ईयर वाले उसको बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन दूंगी मैं आपको होमवर्क के लिए, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर मैं वापस से कल एक्सप्लेन करूंगी कि जब पजल स्क्वायर में हो तो हम क्या करते हैं, अगर पजल स्क्वायर में हो जाए तो हम क्या करेंगे, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी शेयर बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कीजिएगा, क्योंकि ये क्लासेस आपकी डिमांड पे चल रही है। और गारंटी मेरी पता ये होती है कि आप इसके अलावा, मतलब पजल आती है बहुत है, पजल आप पढ़ोगे बहुत, पर मैं वो पजल कराऊंगी जो इस समय एग्जाम में आती है। आपको ये चपाचित पता होगी, जो पहले पजल आती थी वैसी पजल अब नहीं आती, पहले बड़ी बड़ी आती थी अब बड़ी बड़ी नहीं आती, छोटी छोटी आएंगी, लेकिन छोटे में ट्रिक होगा उसके अंदर, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो क्लास को यहीं पे ऑफ करेंगे, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, और डेली शाम को 7 बजे यहाँ पे अवेलेबल रहिएगा आप लोग। और एक और चीज है, रात को 8 बजे आपकी क्लास होनी है, तो उसमें भी आप लोग जरूर आइएगा, बाकी दोस्तों को बुला दीजिएगा, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू, वापस से मिलते हैं। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा, ये आपका चैनल है, आप बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा ये चैनल, ठीक है। तो आपसे निवेदन यही है कि इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, आपके समय कम बर्बाद हो, इस वजह से हमने ये क्लास स्टार्ट करी। इसे सिर्फ 10 से 15 मिनट लेती हूँ और डेली आपको एक नई चीज सिखा के जाती हूँ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।